नमस्कार, आज की तारीख है 13 मार्च 2020। डेली प्रीलिम्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। डेली प्रीलिम्स कैप्सूल में हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम न्यूज़ के बैकग्राउंड और स्टैटिक पार्ट का कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप किसी अन्य ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका महत्वपूर्ण समय द हिंदू के रीडिंग में ख़राब ना हो। इसलिए डेली प्रीलिम्स कैप्सूल आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको यह एग्ज़ाम में पूरी तरह से मददगार साबित होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें मेल कर सकते हो, civilservicehotspot@gmail.com पे, ये हमारी मेल आईडी है, आप इस पे हमें मेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैटिक पार्ट से। स्टैटिक पार्ट में पहला पेज 1 से है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने कोरोना वायरस डिजीज़ को पेंडेमिक घोषित कर दिया है, तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। दूसरा है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 एज ए पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी महामारी जिससे पूरा 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 वर्ल्ड जिससे ग्रसित हो रहा हो, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। तो इसको घोषित कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित करती है किसी भी डिजीज़ को, वो पेंडेमिक हो या एपिडेमिक है, उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी घोषणा करती है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कोरोना वायरस डिजीज एज ए पेंडेमिक। कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इस बार के यूपीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर ये इससे क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगला हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो देखिए हाई कोर्ट मेनली न्यूज़ में है, सबॉर्डिनेट कोर्ट आप रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी यूपी में दंगे हुए थे, तो उसमें दंगों में कुछ लोगों के नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी को काफ़ी लॉस पहुंचाया था। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे लोगों के नाम को, नाम का फ़ोटो उनकी उनके डिटेल के साथ, उनके एड्रेस या उनके नाम के साथ हर जगह चौराहे पे या किसी भी पब्लिक प्लेस पे चस्पा कर दिया, जिससे क्या हुआ है कि उनकी प्राइवेसी को हर्ट हुआ है। तो इसलिए वो लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से उन लोगों ने ऐसी, मतलब यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसी बात बोली कि हमारी प्राइवेसी को हर्ट हो रहा है, तो इसलिए हाई कोर्ट न्यूज़ में। और इसी के साथ ही साथ हमें राइट टू प्राइवेसी भी पढ़ना है। राइट टू प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी हर्ट हो रही है इसलिए हमें पढ़ना है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है राइट टू प्राइवेसी, तो इसलिए ये हमें पढ़ना है। अगला है पेज 9 से है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी कहा है कि कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए हमें, मतलब इंडिया को, वैक्सीन बनाने में कम से कम अभी 2 साल लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये बहुत पुरानी संस्था है इंडिया की, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। अगला इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी अभी तक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट 2006 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो इसलिए हमें ये ज़रूर पढ़ना है। इस बार हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये इसलिए है, कभी यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट पेश किया है, उस ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जिससे इन्वायरमेंट को क्षति पहुँच सकती है या लॉस पहुँच सकता है, उसके लिए जो भी पब्लिक इशू है, तो पब्लिक क्या कर सकती है कि उस इशू को, पहले क्या था जो एक्ट के तहत था 2006 में, वो 30 दिन के अंदर आप उस इशू को इससे रिलेटेड अथॉरिटी में जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अभी उस इशू से रिलेटेड जो भी आपको कंप्लेंट दर्ज कराना है उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, वो 20 दिन के अंदर ही आप करा सकते हैं, मतलब और डेज को कम कर दिया गया। और इससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट से रिलेटेड जो भी हियरिंग होता था, उस हियरिंग को भी पहले 45 डेज में किया जाता था, लेकिन अब उस हियरिंग को भी अब कम करके 40 डेज में करने का आदेश दिया गया है उस ड्राफ्ट के तहत, ठीक है। तो पहला था कि अगर आपको कोई इशू है तो आप उसको अब 20 डेज के अंदर ही जाके आप उसको, उससे रिलेटेड अथॉरिटी में अपना इशू दर्ज करा सकते हैं, या जो भी उससे पब्लिक रिलेटेड हियरिंग होती थी इससे, उसको अभी 45 डेज से 40 डेज कर दिया गया। अगला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यस बैंक के जो मालिक हैं राणा कपूर, उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो मेन या प्राइम लोकेशन पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, उस वो ईडी के रडार पे हैं अभी, ठीक है, वो अभी ईडी के रडार पे हैं।
तो इसलिए ये न्यूज़ में है और वो रडार पे इसी एक्ट के अंतर्गत ही है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ही है, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अगला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अभी देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिटेल जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट आई है, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये न्यूज़ में है। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर मंथ रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये हर मंथ रिलीज किया जाता है। एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाई मंथली रिलीज किया जाता है या 1 ईयर में रिलीज किया जाता है। और देखिए ये सर्विस और गुड्स दोनों के लिए होता है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना। तो आप ये स्टैटिक पार्ट किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। ये है आज के न्यूज़पेपर से स्टैटिक पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे आज हम मैप पे ओपीईसी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओपीईसी कंट्रीज़ देखिए मेनली 14 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पहला है इक्वाडोर, मैप पे देखते हैं यहाँ पे है। दूसरा वेनेजुएला, ठीक है, यहाँ भी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट है वेनेजुएला में। और तीसरा है अल्जीरिया, चौथा है लीबिया, पांचवा है नाइजीरिया, छठवां है इक्वेटोरियल गुनिया, ये यहाँ पे बहुत छोटी सी कंट्री है इक्वेटोरियल गुनिया, यहाँ पे है, ठीक है। अगला है गैबन, ठीक है, ये पूरा कंट्री है, ये पूरा कंट्री गैबन है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। अगला है एंगोला, अगला है इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 14 कंट्रीज़ जो हैं ये ओपीईसी के अंतर्गत आती हैं। और ठीक है, तो आपको ये मैप याद रखना होगा कि कहाँ कौन से आपसे पूछ सकता है कि राइट टू वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए ओपीईसी कंट्रीज़ को या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिए, तो इस मैप के तहत आपको याद रखना है। ये 2019 का मैप है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस कर लेते हैं ओपीईसी कंट्रीज़ के बारे में। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत 1960 में बनाया गया, ठीक है। इसमें उस टाइम पे मेनली कौन कौन सी कंट्री थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो मेनली जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो मेनली थे, ठीक है। वेनेजुएला कौन से पार्ट में है, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो जो मेनली गल्फ कंट्रीज़ थी वो मेन थी, तो उस टाइम पे टोटल 5 कंट्रीज़ थी 1960 में, और बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत इसको बनाया गया, ठीक है। इनका काम क्या था, इनका काम यह था कि जो ग्लोबल सप्लाई है ऑयल का उसको मॉनिटर करना और जो प्राइस है ऑयल प्राइस है उसको सेट करना, ठीक है, इनका काम था। अगला काम इनका, इनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, वियना ऑस्ट्रिया में। अगला है जो गैबन, अभी हमने देखा है ये 1995 में इसने मेंबरशिप छोड़ दिया था, लेकिन फिर 2016 में ये फिर से ओपीईसी का मेंबर बन गया 2016 में। अब आइए गैबन को मैप पे देखते हैं। तो ये देखिए ये है गैबन, ये है गैबन, ये 1995 में ये ओपीईसी की मेंबरशिप को छोड़ दिया था, लेकिन फिर 2016 में इसने ओपीईसी का मेंबरशिप ले लिया, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिए अभी 2019 में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 2019 में टोटल 14 कंट्रीज़ हैं। अभी हमने मैप पे डिस्कस किया कौन कौन सी थी, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला, ठीक है। तो इतनी कंट्री हैं 2019 में, टोटल 14 कंट्रीज हैं। अच्छा अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ओपीईसी प्लस कंट्रीज उन कंट्रीज को बोलते हैं जो कंट्रीज ओपीईसी के अलावा भी क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। उनमें से एक है रशिया। तो रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था ओपीईसी प्लस कंट्रीज के अंतर्गत, तो उस एग्रीमेंट को अभी रशिया ने तोड़ दिया है, ठीक है, इसलिए ये ओपीईसी कंट्रीज न्यूज़ में है, ठीक है।
तो ओपीईसी कंट्रीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि जो कंट्रीज़ ओपीईसी के अंडर में नहीं आती हैं लेकिन फिर भी वो ऑयल को, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, इनको उनको बोलते हैं ओपीईसी प्लस कंट्रीज़। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और ओपीईसी प्लस कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती हैं? अजरबैजान आता है, बहरीन आता है, ब्रुनेई आता है, कजाकिस्तान आता है, मलेशिया आता है, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। ठीक है, ये ओपीसी प्लस कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। होप सो आपको पूरा मैप समझ आ गया होगा, पूरा ओपीसी कंट्रीज के बारे में समझ आ गया होगा और ओपीसी प्लस कंट्रीज के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 13 मार्च 2020 के न्यूज़पेपर से। विद द रेफरेंस टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। WHO डिक्लेयर्ड द 2019-20 कोरोना वायरस आउटब्रेक आउटब्रेक इज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एंड पेंडेमिक। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है, अभी उसने PHEIC तो पहले ही उसने घोषित कर दिया था, लेकिन अभी उसने WHO ने कोरोना वायरस 2019-20 को पेंडेमिक भी घोषित कर दिया है। अगला है, द WHO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। ये ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ सर्वे एंड वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो बिल्कुल तीनों करेक्ट है इसमें, WHO तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें आंसर होगा both 1 and 2। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये page 1 से है, द हिंदू के 13 मार्च 2020 के। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आर क्वासी ज्यूडिशियल कोर्ट्स मैंडेटेड टू हियर अपील्स ऑफ दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल NRC। ठीक है, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है वो क्वासी जुडिशियल कोर्ट्स होता है, और जो वो उनकी हियरिंग करता है जो फाइनल NRC से बाहर है। ठीक है, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट है, द MHA हैज अमेंडेड द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 एंड हैज एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू सेट अप ट्रिब्यूनल टू डिसाइड वेदर ए पर्सन स्टेइंग इलीगली इन इंडिया इज ए फॉरेनर और नॉट। अर्लियर द पावर्स टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल्स वर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर। तो देखिए 1964 जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर था 1964 का, उसको अमेंड किया गया, उसमें अमेंडमेंट में ये किया गया कि जो पहले पावर था सेंटर के पास कि आप ही फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को गठित कर सकते हैं, वो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें से आपको चूज करना कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल होता है वो क्वासी जुडिशियल कोर्ट होता है। ठीक है, और जो एक्सक्लूडेड होते हैं लोग फाइनल NRC से, उनके लिए हेयरिंग करता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें इसको अमेंड करके सेंटर से हटा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसका पावर दिया गया कि आप फॉरेन ट्रिब्यूनल गठित कर सकते हो जिससे कि प्रॉपर हियरिंग हो सके जो भी एक्सक्लूडेड है फाइनल NRC से। तो both 1 and 2 करेक्ट होगा, पहला भी इसमें करेक्ट है, इसका सोर्स है द हिंदू के page 6 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने इस पर डिस्कस किया है कि परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बाई ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। टोटल 5 कंट्रीज थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो ये मेनली गल्फ कंट्रीज थी, अभी हमने डिस्कस किया, और ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका की कंट्री थी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, अगले स्टेटमेंट देखते हैं। द नॉन ओपीईसी कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपीईसी प्लस कंट्रीज। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया। तो दोनों both 1 and 2 आंसर इज करेक्ट। तो इसका page 14 से द हिंदू के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ ऑप्शन ए सर्विस ओनली, बी गुड्स ओनली, सी बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमने डिस्कस किया इसको
कि ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए होता है, और ये मेनली हर मंथ इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है? तो ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, और पेज 15 से द हिंदू के। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग एक्शन विच द गवर्नमेंट कैन टेक। पहला, डिवेल्युएटिंग द डोमेस्टिक करेंसी, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी। तीसरा है, अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर FDI एंड मोर फंड्स फ्रॉम द FIIs। विच ऑफ द एबव एक्शन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट। ओ, तो मेनली ये है, करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट कौन से एक्शन लेती है। तो इन तीनों में से आपको उन एक्शन के बारे में बताना है। तो पहला देखिए, डिवेल्युएटिंग द डोमेस्टिक करेंसी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए है कि अगर आप अपने अपनी कंट्री का करेंसी को डिवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे पैसे का वैल्यू कम होगा, पैसे का वैल्यू कम होगा तो यहाँ से यहाँ पे कम डॉलर दे के आपको ज़्यादा सामान मिल सकता है। तो इसलिए आप, पहला बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। जैसे देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट ट्रेड से रिलेटेड है। अगर आप हैं, आप अगर अपने घर में अपने घर में अपने घर से पैसे ज़्यादा भेज रहे हैं, पैसे कम भेज रहे हैं और सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं, ठीक है? मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने घर में इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी कंट्री में इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है? मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा है, मंगाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और कंट्री से बाहर भेजने वाली चीज़ें कम हैं, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है? तो अगर आपको मंगाने के लिए, भेजने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा कुछ करना होगा, तो आप क्या करेंगे, डिवेल्युएट करेंगे करेंसी से, जिससे क्या होगा कि कोई भी फॉरेनर आएगा उसको कम डॉलर में ज़्यादा सामान मिलेगा। तो ये तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी। अगर आप सब्सिडी में रिडक्शन कर देंगे एक्सपोर्ट के, तो आप ज़्यादा सामान कैसे भेज सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स को, ठीक है? तो दूसरा तो गलत होगा, ठीक है? तीसरा है, FDI एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विथ विच अट्रैक्ट ग्रेटर FDI। देखिए, आपको सुटेबल पॉलिसीज बनानी ही होगी अच्छे FDI को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर FDI आएगा आपकी कंट्री में तो क्या होगा कि आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो आपकी कंट्री से जो भी गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग एंड थर्ड वन इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा D1 एंड 3 ओनली, ठीक है? सोर्स द हिंदू के पेज 15 से। तो थैंक यू, आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किया द हिंदू से, और हमने OPEC कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।